पाकिस्तान का एक युवक अपनी प्रेमिका के घर वालों के गुस्से से बचने के लिए सीमा पार कर भारत आ गया। हालांकि उसने बताया कि वह गलती से सीमा पार कर गया था। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने उसे पकड़ा और पूछताछ की, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल उसे राजस्थान के बाड़मेर पुलिस को सौंपा गया है। बॉर्डर पार कर भारत पहुंचे 21 वर्षीय युवक का नाम जगसी कोली है। रविवार सुबह बाड़मेर जिले के जापड़ा गांव में BSF ने उसे गिरफ्तार किया था। सोमवार को उसे पुलिस को सौंप दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की बातचीत में मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि कोहली को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे भारत में हैं। वे स्थानीय लोगों से बस के बारे में पूछता हुआ पकड़ा गया था। एक BSF अधिकारी ने कहा कि कोहली ने हमें बताया कि उसका पाकिस्तानी लड़की के साथ अफेयर है। उसने बताया था कि उसका गाँव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 35 किलोमीटर और गर्लफ्रेंड का गाँव 8 किलोमीटर दूर है। उसका ये भी दावा कि भागने के इरादे से वे गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले उसे प्रेमिका के घर वालों ने पकड़ लिया। अधिकारी ने कहा कि वे युवती के घर से भागने में सफल हो गया और भागता रहा। अंधेरा होने के कारण उसे नहीं पता चला कि किस ओर भाग रहा था। रोशनी दिखने पर वह उसकी तरफ भागा और फेंस पार कर जापड़ा गांव पहुंच गया। BSF अधिकारी का कहना है कि हो सकता है उसे जो रोशनी दिखी हो वो BSF की फ्लड लाइट हो। अधिकारी ने यह भी बताया कि कोहली 11वीं में पढ़ता है और अंग्रेजी भाषा जानता है। उन्होंने कहा कि उसकी प्रेमिका स्वर्ण हिंदू है, जिसकी उम्र करीब 17 साल है। BSF को पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एक अधिकारी ने कहा कि उसे पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे।